तरीके की कैलकुलेशन का पार्ट 4 में लेकर आ गया। ये पार्ट 3 का मैं थंब आपको दिखा रहा हूँ भी पेज, जो कि पार्ट 3 नहीं है, पार्ट 4 भी मैं बना चुका हूँ, जिसमें हमने पार्ट 3 में तो मैंने जोड़ और घटाना को समझाया था, उसके बाद मैं पार्ट 4 में गुणा और भाग को समझाया, उसमें साथ ही साथ आपको दशमलव लगाना हटाना बताया और घात में बदलना भी बेसिक बताया था। तो आप पार्ट 4 देख लीजिएगा, पार्ट 4 में हमने ये सारी चीजें बताई हैं, देख लेना यहाँ से ये सारी चीजें बताई हैं मैंने गुणा तक, और इसको घात से रिलेशन भी रखा था। उसके बाद आज हम बताने वाले हैं इसी दशमलव का हम पूरा प्रोसेस हम बताएंगे, और इसमें हम उसकी पूरा भिन्न से रिलेशन रखेंगे। किसे रखेंगे? भिन्न से रिलेशन रखेंगे। देखिए जैसे आपको यहाँ पर मिल जाता है 2/3 और प्लस में मिल जाता है 6/4, कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं, तब आपको क्या करना है, पहले तो आपको भिन्न मिल जा रहा है तो आप भिन्न को पहले हल करिए। भिन्न नहीं आता है तो पिछली वीडियो जरूर देखिए, पिछली वीडियो में बहुत सारी बेसिक चीजें हैं उसको देखना जरूरी है। इस भिन्न को दो तरीके से आप हल कर सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं, आप इसे एलसीएम द्वारा कर सकते हैं। एलसीएम अगर आपको नहीं आता, अगर आप अभी आपकी परीक्षा आने वाली है तो आप क्या करिएगा, इसको आप ऐसे 3 6 गुणा भी कर सकते हैं, ये भी काम करते हैं। 4 2 8 ये कर दीजिएगा, मतलब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, और 3 6 18 आप ये कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ नीचे नीचे वाला का गुणा 4 3 12 कर दीजिएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 18 8 जोड़ देते हैं, हमारा 26 हो जाता है, और 12 ये हो जाता है। अब इसको हम किसी संख्या डिवाइड करिए जिससे ये दोनों कट जाए, ना कटे कोई बात नहीं लेकिन कम हो जाए। 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2 2 3 6 और 2 6 12, मतलब 13/6 आ गया। इसमें भी आएगा, उसमें दूसरा प्रोसेस ये होता था कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 4 3 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। और इस 12 को हम क्या करेंगे, इससे एक एक करके डिवाइड करेंगे, इससे करके डिवाइड करेंगे 12 को। पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 कितनी बार गया, 4 बार, तो हम 2 में हम 4 से गुणा कर देंगे, 2 में 4 से गुणा कर देंगे, इसके जिससे भाग करें उसके अंश में गुणा करेंगे। फिर बीच में प्लस है, प्लस आप रख दीजिए, प्लस है आप इसको रख दीजिए, इसको प्लस रख दीजिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 12 3 बार गया, मतलब 6 में हमें 3 से गुणा कर देना है, 6 में हमें 3 से गुणा कर देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 ये हमारा 8 हो जाएगा, और 6 3 18 हमारा 18 हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा 12, सेम प्रोसेस देख लीजिए वही आ गया। तो वही है, अब इसके बाद जो भी करना है वही काम आएगा, बात समझ सकते हैं, मतलब यही सारी चीजें थी। भिन्न अगर हमें और बड़ा मिल जाता है, जैसे कभी कभी इस तरीके से भिन्न मिल जाते हैं, यहाँ पर इतने दो दो भिन्न मिल जाते हैं, और दोनों में यहाँ पर निगेटिव यहाँ पॉजिटिव कुछ इस तरीके से ऐसे मिल जाता है, तब दिक्कत क्या होगी, देखिए कुछ नहीं दिक्कत। हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम बिट लगाते हैं, एलसीएम बिट मतलब लासा निकाल लेते हैं, 5 3 4 का एलसीएम का। अब बच्चा फंस जा रहा है कि एलसीएम सर कैसे निकाले, आप तो डायरेक्ट बताते चले जा रहे हैं, एलसीएम यहाँ पर आपने बताया नहीं, एलसीएम कैसे निकले, यहाँ पर एलसीएम कैसे निकले, एलसीएम आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 5 3 4, इसको क्या करना है, आप 2 से कैंसिल आउट करिए, ठीक है, तो 2 से इसमें कोई कटेगा, हाँ 3 नहीं कटेगा, पर यहाँ पर 2 से कट, 2 2 4 कट गया, अब हमें फिर से 2 से काटिए इसमें, तो 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपके देखिए सारी अभाज्य संख्याएं आ गई, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हो तो फिर कटती नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, ये 2 निकल गया, 2, और ये 5 निकल गया, 3 निकल गया, एक माने कुछ भी नहीं करना है, मतलब 2 2 4, इसका 2 में 2, देखिए यहाँ पर 2 2 5 3 यहाँ पर किए, तो 2 2 4, 4 5 20, 3 60 हो गया, कितना हो गया हमारा, 60 हो गया, ठीक है। तो शायद आप बात को समझ गए हैं, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, और 60 से हम एक एक को डिवाइड करेंगे, जैसे इसमें किया था 5 से 60 को डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड करना आता तो आपको क्या काम करना है, आपको इसको भाग कर लेना है, 60 को अंदर हमेशा करना है, और जिसको जिसको पहाड़ आप नहीं पढ़ रहे हैं, 5 को पहाड़ा इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 5, और घटा के युग आया और 0 आया, तो 5 2 10 आया, कितना आया, 10 आया, इस तरीके से 5 2 10 हुआ, मतलब 12 आया, कितना है हमारा, 12। अब 1 में हमें 12 का गुणा कर देना, तो 12 1 12 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का पहाड़ा 60 में पढ़ेंगे तो हमारा पता है 3 2 26 बार जाएगा, तो इसमें हम 20 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 9 20 9 180 हो जाएगा, हमारा 180 हो गया, माइनस इसमें 4 का पढ़ेंगे तो 4 1 4 और 4 5 20, तो इस तरीके से 15 बार गया, तो 15 बार इसमें हम गुणा करेंगे, 15 1 15 हो जाएगा, तो इस तरीके से मेरा ये आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, तो यहाँ पर 12 जो है ये हमारा प्लस में, इसको ऐसे रह दीजिए, दोनों माइनस में, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों क्या है, ये माइनस में है, ये दोनों माइनस में इसको जोड़ दीजिए, तो 180 और 15 जोड़ देते हैं तो 195 हो जाता है, कितना हो जाता है, 195, और इसको हम 60 नीचे से, अब इसको देखिए इसमें घटाना है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, ये 9 में से 1 जाएगा तो हमारा, अब देखिए ये जोड़ जोड़ घटाना कर रहे हैं ना, इसका पिछला वीडियो देखिए, इसी बेसिक क्लास की है, आप पिछला वीडियो देख लीजिए, चौथा पार्ट पाँचवा पार्ट है, आप चौथा देखिए, तीसरा देखिए, दूसरा देखिए, समझ में आ जाएगा ये कैसे हो रहा है। 9 में से हम 1 घटाते हैं तो हमारा 8 आ जाएगा, और इसके बाद हमारा 1 है ही, तो इसको आप 1 लिख दीजिए, निगेटिव है, माइनस है, माइनस कर दीजिए, और 60 कर दीजिए, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से आपको करना है, भिन्न हो गया। अब भिन्न को इस तरीके से समझ रहे, इसमें हम डेसिमल लगा करके दिखाते हैं कि दशमलव द्वारा भिन्न कैसे हमें
हल करना पड़ेगा। चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मान लीजिए यहाँ पर मिला है 2.5, ठीक है, बटा में क्या कर रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 6, कितना लिख रहे हैं 6। अब इसके बाद आपका यहाँ पर आ गया कितना 1.2 अपॉन कितना आ गया, यहाँ पर आ गया मान लीजिए मेरा 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव तो अंश में दशमलव है, नीचे दशमलव नहीं है। जब यार ऊपर दशमलव है नीचे दशमलव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, नीचे दशमलव नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव को मैंने पिछला पार्ट क्लास लगाया उसको देखना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं, वही सेम प्रोसेस, इसमें हम 6 और 5 का लासा ले लेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और हम एक एक करके भाग करेंगे तो 6 का पाड़ेंगे 6 पंचे 30, 5 बारह पड़ेंगे इसमें 25 में आकर के, इसमें हम 5 बार 12 पढ़ लेंगे, 5 25 पंचे हो जाएगा कितना, आपको पता ही है 25 पंचे हमारा क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 और 5 दो 10, 10 दो 12, मतलब 100। और इसी तरीके से अब इसमें बोलेंगे सर दशमलव तो नहीं लगा, दशमलव देखिए एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर लगा दो दशमलव, यहाँ पर आपका 12.5 आ गया, इसको करिए 5 छंग 30 करेंगे, 5 छंग 30 मतलब 6 बार 11, तो 6 बार इसमें हम गुणा कर देंगे तो 12 छंग 72 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 7.2 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक दशमलव है। अब इसको ऐड करना है, दशमलव का जोड़ आ गया, दशमलव का जोड़ आप कर नहीं पाएंगे, हमारी पिछली वीडियो देखिए कर लेंगे, देखिए कैसे किया जाता है। दशमलव पीछे वाली संख्या बराबर होनी चाहिए, देखिए एक अंक इसमें एक अंक इसमें है, बराबर है मतलब 5 2 7 हो गया, पीछे से लिखिए, पीछे से काम करिए, पीछे सारा सारा चीज उल्टा करना है, 5 2 7 हो गया, दशमलव दशमलव इसमें भी उसमें भी सेम है, और 7 और 2 हमारा 9 हो गया, और 1 इसमें इसमें कुछ नहीं है तो इसमें 1 लगा दी, ये हमारा और 30 ये हमारा हो गया। अब रही बात इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको आपको डिवाइड आपके जब मान लीजिए सवाल में ऐसा आ रहा था, इसको आप डिवाइड करिए, मतलब आपको क्या करना है, 1 1 9 7 को आपको डिवाइड करना है किससे, 30 से, किससे करना है 30 से, तो आप 30 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक काम करना है, क्या करना है, सबसे पहले इसको भाग यहाँ से करने से पहले चाहे तो आप इसको हटा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही कर दीजिए, 30 से भाग करते हैं तो नहीं जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे पहले ही, तो हमारा 197 पूरा ले लेंगे, क्या ले लेंगे 197 पूरा ले लेंगे, तब हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं 10 बढ़ा देता हूँ नीचे साइड, जब यहाँ पर मैं 10 बढ़ा दूंगा तो ये दशमलव हट जाएगा, और 1 दशमलव हट जाएगा तो हमारा इतना आ जाएगा, देखिए इतना 300 आ जाएगा, क्योंकि 1 10 बढ़ाना है, 300 आ जाएगा। अब 300 भाग पढ़ेंगे दशमलव लगेगा ना, आएगा ना, बन गया ना काम, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब देखिए 197 ले लिए तो तब 30 का पहाड़ आ जाएगा, 30 पहाड़ा पड़ा जाएगा, कितनी बार आपको पता है कि 6 बार जाएगा कम से कम, 6 3 18, और अगर हम इसको 7 बार ले जाते तो 7 3 21 हो जाता, तो यहाँ पर हम 6 बार ले जाएंगे और 6 3 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, घटाएंगे 7 आएगा, 9 से 1 आएगा, और दशमलव लगा ही है 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से हम पढ़ते हैं तो 6 बार जाएगा तो 180 होगा, इसलिए हम 5 बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे तो 5 3 15 150 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे पता है कि मुझे 6 बार जाएगा, तो इस तरीके से मेरा 180 आएगा, फिर से यहाँ बचेगा 20, और फिर ये 200 बनेगा तो ये 6 बार जाएगा, सेम ऐसे हमको लगता है 6 बार जाता जाएगा, हम क्या करेंगे इसके आंसर को जब लिखने लगेंगे 0.65, ये 6 6 जा रहा था यहाँ पर 7 21, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसे आपको दशमलव करना है। अगर मान लीजिए दशमलव ऊपर नीचे दोनों मिलता है उसके बाद भी भिन्न बन रहा है तब कैसे करेंगे उसको देखते हैं, एकदम सारी चीजें हम देखते चलेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से है 2.6 है और उसके अपॉन में आपका यहाँ पर आ गया 1.12, सॉरी 12 है यहाँ पर, 1.2 है, और इसके बाद यहाँ पर आपको माइनस में मिल रहा है आपको 0.6 अपॉन यहाँ पर 5, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर दिक्कत, इसमें भी दशमलव, इसमें दशमलव, इसमें दशमलव, नहीं कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है दशमलव को हटा देना है, दशमलव जो हर में दशमलव आप हटा के काम करिए हमेशा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हर में दशमलव आप हटा दीजिए, जैसे देखिए 12 का दशमलव इसमें मतलब 1.2 है, 1 सेम अंक पे दशमलव है, देखिए एक अंक इसमें भी एक अंक इसमें, दशमलव दशमलव कैंसिल आउट समझ लीजिए, मन में ही समझ लीजिए ना, अब ये समझ समझिए मैंने इसको हटा दिया, इसमें मैंने इधर भी मैंने 10 से गुणा किया, इधर भी 10 से गुणा, इसलिए हट गया, यहाँ पर मेरा 26/12 आ गया, और ये तो हमारा रहने दीजिए दशमलव, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा 12 5 का लासा कर देंगे, 12 5 60 हो जाएगा, और 12 5 60 5 का गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे और 5 का करेंगे तो 12 बार जाएगा, तो यहाँ पर मैं 12 का गुणा करूंगा, इस तरीके से 5 6 30 आ जाएगा, यहीं पर बोले 5 6 30 और 5 गुना 10, 10 3 13, 130 हो गया, माइनस ये 6 का पर 12 6 72 हो जाएगा, 1 अंक पर दशमलव मतलब इतना आ जाएगा, और इसको हम घटाएंगे। अब घटाने वाला प्रूफ देखिए, इसमें दशमलव 130 में नहीं है, अब 130 में दशमलव नहीं है तो आप इसके बाद दशमलव मान सकते हैं, दशमलव आप इसके बाहर मान लीजिए, और जब बाहर मान लेंगे तो दशमलव बाद इसमें 2 है मतलब 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक का 0 मान लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। अब 1 का काम हो जाएगा कैसे, देखिए यहाँ पर इस तरीके से सेट हो जाएगा, तो अब 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ पर मतलब 8 आएगा, यहाँ पर बचा है 9 9 7 गया 2 है, दशमलव सीट पर दशमलव ही लग गया, और यहाँ पर 12 बचा हुआ है कितना, यहाँ पर 2 बचा है, 2 का 2 लगा, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 122.8 आ गया,
और नीचे 60 आ गया। अब 122 में हमें 60 का डिवीजन करना है, कितना डिवीजन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पढ़िए, 6 दुगना 12 120 हो गया। देखिए दो बार पढ़ा, पड़े 120 हुआ, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर आपने दशमलव लगाया तो यहाँ पर अपना 8 उतरा, 8 तो काम में आएगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर डिवीजन करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन करने में इसलिए प्रॉब्लम होगी, अब आपको पता है कि इसमें आपका डिवीजन करने लगेंगे तो जाएगा नहीं, ठीक है, और जब जाएगा नहीं तो दिक्कत होगी कि आपको कैसे फिर करना है ताकि आपका ये आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको कुछ प्रोसेस बताते हैं, देखिए कुछ ना कुछ तो आपको पता है कि इसमें रूल है, रूल आपको समझना चाहिए, और इसका रूल अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, अब देखिए यहाँ पर 8 हमने ऐड किया, 8 में अब नहीं जा रहा है तो आप 0 बढ़ाएंगे तो अब 0 बढ़ जाएगा, बात मतलब समझिए, क्यों आपने दशमलव बढ़ाया था, किस लिए, दशमलव इसके लिए लगाया था, अब दशमलव लग गया है तो इसमें 0 आप बढ़ा लिए, नहीं बढ़ा सकते, आपने 8 उतार लिया है एक अंक, अब 2 अंक हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से हम 2 अंक बढ़ा रहे हैं तो हमने 0 बढ़ा के बढ़ाना है, अब हमें इसको बढ़ाना, भाई 6 का पढ़ा पड़ेगा, 28 से ज्यादा ना हो तो 6 चौके 24 56 30, मतलब 6 चौके 24 चार बार जाएगा तो यहाँ पर 240 आ जाएगा, इस तरीके से मेरा यहाँ पर 40 बच गया, फिर से यहाँ पर 40 इस तरीके से जाएगा, मतलब इतना इनका आंसर आ जाएगा, 2.04 ये हमारा आंसर। इस तरीके से आप डिवीजन करना सीखिए और भिन्न के साथ क्रिएटिविटी दिखाना सीखिए, कैसे कैसे यहाँ पर लगा रहा हूँ, छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको वो सारी चीजें मिले, और इसकी वीडियो जो पाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट की बहुत सारे बेसिक वीडियोस की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट चेक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल की जो रीच है वो एकदम डाउन होती जा रही है, लोग देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, इस तरीके की चीजें बहुत सारे लोग बताते नहीं है, और बहुत बहुत सारे मैं पीडीएफ भी दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज दे रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो क्या करें, फिर भी हम अपने जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा जो भी समझें, हमारा काम है वीडियोज को बनाना और लोगों तक अपनी नॉलेज को पहुंचाना, बाकी जो नहीं नॉलेज लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं, जो लेंगे वही हमारे लिए स्टूडेंट, हमारे 2 ही स्टूडेंट रहेंगे, मैं उन्हीं को पढ़ाऊंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अगली वीडियो में हमें बताना है कि चर से हम कैसे इसको रिलेशन रखेंगे, चर आता है तो उसको हम अगली वीडियो में लेकर, यहाँ पर हम पूरा आज हम डेसिमल का और फ्रैक्शन का उसके साथ रिलेशन रख करके हमने पूरी चीजें समझा दी, ठीक है, और मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और मेरे फेसबुक चैनल फेसबुक पेज है उसके डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, सारे पीडीएफ वहीं पर हम देते हैं, तो जरूर सभी चीजों को फॉलो करिए, सभी पर रजिस्टर जाइए, उसके बाद दिक्कत हो कमेंट करिएगा, ओके। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर और सारी चीजें बताएंगे, छोटे छोटे पार्ट जो डिफिकल्ट होते हैं उसको मैं लेकर के आता रहता हूँ, उसको भी देखते रहिए, चैनल पर पढ़ती रहती हैं, और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश की भी एकदम बेसिक क्लास चलती रहती है, इंग्लिश भी सीखिए एकदम बहुत ही छोटे से, ओके चलिए।